जब भी कभी इंडिया जाने का प्लान बनता है तो दोस्तों की मेन डिमांड रहती है कि आईफोन लेके आओ। यहाँ यूएस में आईफोन सस्ता मिलता है इंडिया की प्राइस से कंपेयर करें तो, क्योंकि तकरीबन 22% कस्टम ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट लगाती है आईफोन पे। लेकिन एक डर हमेशा रहता है कि इंडिया में जब हम एंटर करते हैं तो एयरपोर्ट पे कस्टम्स ऑफिसर्स हमारा सामान चेक करते हैं, और उसमें ये नए आईफोन्स मिले तो उस पे वो कस्टम्स ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं, और फिर अगर वो कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ी तो यूएस से कम कीमत में आईफोन खरीदने का एडवांटेज वो चला जाएगा। मैं परसों निकल रहा हूँ इंडिया के लिए, और इस बार मुझे घर वालों के लिए 2 नए आईफोन लेके जाने हैं, और मेरा खुद का भी एक आईफोन रहेगा, तो टोटल 3 फोन्स रहेंगे। और कस्टम्स ड्यूटी से बचने के लिए मुझे ऐसा दिखाना होगा कि ये तीनों फोन मेरे ही हैं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए अगर आप कुछ लेके जा रहे हो तो उस पे कस्टम्स ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती। तो इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे यकीन दिलाए कस्टम्स ऑफिसर्स को कि फोन आपके ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना जनहित में जारी, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फ्री का ही काम है। आजकल कोविड की वजह से एप्पल स्टोर भी ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो मैंने अभी 2 फोन्स ऑनलाइन ऑर्डर किए और पिकअप का ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि होम डिलीवरी चूज करेंगे तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं, और मेरी मुंबई की फ्लाइट कल ही है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और अभी अभी एप्पल का मैसेज भी आ गया है कि योर ऑर्डर विल बी रेडी फॉर पिकअप, प्लीज कम इन ड्यूरिंग योर चेक इन विंडो फ्रॉम 12 to 12:15 PM। अभी जा रहा हूँ मैं एप्पल स्टोर फोन लेने, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ उनको ऐसा आईडी दिखाना होता है और फिर हमारे फोन आ गए हैं। ये आ गए फोन्स। ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये पर्सनल यूज नहीं रहेगा और उनको लगेगा कि मैं बेचने वाला हूँ इंडिया में। तो पहले तो हम करेंगे अनबॉक्सिंग। नए फोन्स का मजा ही कुछ और है। एनीवे, तो ये 2 फोन हम लेके जाएंगे। एक चीज मैं और करने वाला हूं, और वो कि मैंने दोनों फोन्स के लिए केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदे हैं। ये दोनों एग्जैक्टली सेम फोन्स है, आईफोन 13, सिर्फ एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर ब्लू, और जानबूझ के मैंने ये ऐसा वाला केस लिया है जिससे एप्पल का लोगो दिखे ना। परफेक्ट, आई गेस पहले स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं। लाइफ में आप कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन जब ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने की बारी आती है तब पूरा पसीना पसीना छूट जाता है। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, वो एक डस्ट पार्टिकल या फिर एक एयर बबल सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है। लगता तो है अच्छे से बैठ गए हैं। ओके, अब ये कवर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा साफ करके पीछे का भी, सब फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। ओके, एक फोन हो गया, अब दूसरी की बारी। चलो, फोन्स कपड़े पहन के रेडी है, और एक काम करने वाला हूं मैं, ये दोनों फोन्स को ऑन कर देंगे और मेरे खुद के एप्पल आईडी से सिंक कर देंगे, फिर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि ये मेरे फोन नहीं है। फिर इंडिया पहुंचने के बाद फिर से फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, और ये करना कुछ मुश्किल बात नहीं है, रिस्क हमें कम से कम लेनी है। चलो, हो गया। डाटा या ऐप ट्रांसफर नहीं किया है मैंने, तो मेरे कुछ फोटोज या फिर एप्स इस पे नहीं आए हैं। चलो, अब निकलते हैं इंडिया के लिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सीट में ही वायरलेस चार्जिंग है। फर्स्ट टाइम ग्लोव्स पहने मैंने ऐसे वाले, डेक्स्टर जैसा फील आ रहा है। मुंबई में आ चुका हूँ, अभी कस्टम्स में जाने वाला हूँ। मोबाइल तो मेरे पॉकेट में है, कैमरा भी बंद कर देता हूँ। तो जितने भी आपको आईफोन्स चाहिए लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैग में मत रखना, अपने पॉकेट में लेके आओ। सब अनपैक करके लाना,
बॉक्सेस यूजुअली मत ही लाना, क्योंकि बॉक्सेस रहेंगे तो बैग में ही रखने पड़ेंगे, इतने बॉक्सेस पॉकेट में तो नहीं रख सकते। और हाँ, कमर्शियली बेचना मत फोन इधर आने के बाद। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए फोन्स लेके आना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे कस्टम्स ड्यूटी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। और लास्टली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पर लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।